हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी। क्या, मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर काका? सामने प्रभु श्री राम की मूर्ति है, देखिए। बिना मूर्ति के कोई मंदिर हुआ है डॉक्टर काका? और ये तो प्रख्यात श्री राम का मंदिर है। मैं समझ गया नाना साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया था ना, इसलिए जानबूझकर आप मुझे श्री राम के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ प्रभु राम की मूर्ति ही नहीं। कैसे नहीं है, आप ठीक तरह से देखिए तो प्रभु श्री राम की मूर्ति सामने है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साईं बाबा का चमत्कार है। मुझे अभी भी हैरानी हो रही है डॉक्टर काका कि आपने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार क्यों कर दिया। नाना साहब, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, ये साधु बाबा फकीरों पर नहीं और आपके साईनाथ पर तो बिल्कुल ही नहीं, वो ईश्वर के अवतार नहीं है। चलिए प्रभु श्री राम के दर्शन को चलते हैं, आइए। ये सभी लोग किसे प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर में तो कोई मूर्ति है ही नहीं। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए डॉक्टर काका? कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी। क्या, मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर काका? सामने प्रभु श्री राम की मूर्ति है, देखिए। बिना मूर्ति के कोई मंदिर हुआ है डॉक्टर काका? और ये तो प्रख्यात श्री राम का मंदिर है। मैं समझ गया नाना साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया था ना, इसलिए जानबूझकर आप मुझे श्री राम के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ प्रभु राम की मूर्ति ही नहीं।
कैसे नहीं है? आप ठीक तरह से देखिए तो, प्रभु श्री राम की मूर्ति सामने है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साईं बाबा का चमत्कार है। ईश्वर हर जगह है, मंदिर में भी और मनुष्य के मन मंदिर में भी, लेकिन वो तन की आंखों से नहीं दिखाई देता। मन की आंखों से देखोगे तो ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होगा। ईश्वरी अवतार का ध्येय और उद्देश्य दुर्जनों का निर्दलन करना और सज्जनों की रक्षा करना होता है। ईश्वर संतों के हृदय में निवास करता है, लेकिन संतों का कार्य भिन्न है। उनकी नजर में राजा और रंक, शत्रु और मित्र, सुष्ट और दुष्ट समान होते हैं। उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती है जो दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि उन दुष्कर्म करने वालों को सत्कर्मी बनाना, उन्हें सही मार्ग पर लाना ही उनका कार्य होता है। संत अज्ञान और अहंकार रूपी अंधकार का नाश सूर्य के समान बनकर करते हैं, तभी लोगों को साक्षात्कार होता है कि सबका मालिक एक है। डॉक्टर जोशी, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? नहीं हुए ना? मुझे पता था, कैसे होंगे? प्रभु श्री राम तो मंदिर में है ही नहीं। डॉक्टर जोशी, वो तो द्वारका माई में है। मालूम, बाबा कहते हैं ना कि सच ईश्वर है, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा ही ईश्वर है, मतलब साईं बाबा ही ईश्वर है। हाँ, बाबा ही भगवान है, बाबा ही प्रभु श्री राम है। हाँ, जय श्री राम, जय साईं बाबा। डॉक्टर काका, सच्चे मन से देखोगे ना, तभी ईश्वर दिखाई देगा। हाँ, लेकिन आप तो ईश्वर को ईश्वर मानने से इनकार कर रहे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा आपको ईश्वर। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है प्रभु, जो मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे? मैंने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया, क्या इसलिए आप मुझसे रूठ गए हैं? आप दर्शन दीजिए प्रभु, मैं अभी साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाता हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। ये तो बाबा का चमत्कार है। जय श्री राम, जय साईनाथ, जय साई राम। डॉक्टर काका, जय साई। कहाँ जा रहे हैं? हो गया, साक्षात्कार हो गया उन्हें मात्रों को। मालूम, वो द्वारका में गए अपने प्रभु श्री राम से मिलने। हाँ, आप भी चलो, चलो 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 चलो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं बाबा तुझे।
डॉक्टर जोशी काका, यहां क्यों आए हो? जाओ अपने भगवान के पास जाओ, यहां मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो लोगों को बहकाता हूं, उन्हें फुसलाता हूं, उन्हें फंसाता हूं, फिर क्यों आए हो मेरे पास? जाओ जाओ ना। साईं बाबा, डॉक्टर काका आपकी शरण में आए हैं। नाना, तुम्हारे डॉक्टर जोशी काका मुझसे नफरत करते हैं, मेरी निंदा करते हैं चहोर, फिर यहां क्यों आए हैं? जहां तुम्हें तुम्हारा भगवान मिले वहीं जाओ, यहां तुम्हारा भगवान नहीं मिलेगा। जाओ जाओ। आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। ना, मैं तुम्हारा भगवान। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे, जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, प्रभु। प्रभु क्षमा कर दो, उठो डॉक्टर जोशी, उठो। प्रभु ईश्वर का स्थान मंदिर नहीं, हमारे दिल में है। हम जिस भाव भक्ति से पूजा करते हैं उसी भाव से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर एक है, भक्त उसे अलग अलग रूपों में देखते हैं। अपने भक्तों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं कभी विठोबा बन जाता हूं, कभी कृष्ण, कभी राम। अपने भक्तों के आराध्य देवताओं का साक्षात्कार कराने के पीछे मेरी एक ही सीख होती है कि हम सबका मालिक एक है।